एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्प्लूट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स जो आपको करनी चाहिए बिफोर यू थिंक अबाउट गेटिंग अ डॉग होम. तो शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप एक पेट पेरेंट हो और आपको ऐसी टाइप की एडवाइस चाहिए जिससे आप एक बेटर पेट पेरेंट बन सकते हो, तो जरूर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. हम रोज अपडेट्स डालते हैं एंड वी स्पीक टू अ लॉट ऑफ पेट प्रोफेशनल्स एज वेल अराउंड बिहेवियर, ग्रूमिंग एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. लिंक बायो में. तो शुरू करते हैं. तो ये जो सीरीज है, दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कम इन हैंडी व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ पपी होम, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, जब आप डिसाइड कर रहे हो कि डॉग घर पे लाना है तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए उससे पहले. एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द अदर थिंग्स दैट बिकम इंपॉर्टेंट एज वेल, ग्रूमिंग, डाइट, एक्सरसाइज, वेट विजिट्स, एवरीथिंग दैट यू नीड, राइट? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वो चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए और क्या क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप सोचने चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सोचने चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आपको डॉग घर पे लाना है. शुरू करते हैं. तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं जो डॉग्स घर पे लाते हैं, ज़्यादा सोच नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम यू नो जो यूजुअली पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती है कि मेरे पास ऑलरेडी दो बच्चे हैं, मुझे और कुत्ते नहीं चाहिए, या इस घर में सिर्फ मैं रहूँगी या फिर कुत्ता रहेगा, या मैं रहूँगा और कुत्ता रहेगा. वो वाली कॉन्वर्सेशन हम सब की हुई है पेरेंट्स के साथ. और फिर अल्टीमेटली जब बड़े हो जाते हैं तो हमें होता है बस अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अब मुझे कुत्ता चाहिए. बट वॉट आई वॉन्ट टू एक्चुअली से इज कि हमारे पेरेंट्स इतने गलत नहीं थे, राइट? उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गोज इन टू रेजिंग अ डॉग, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेजिंग अ चाइल्ड जब आपकी इतनी सारी इशूज हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए एंड ओनली व्हेन यू हैव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस शुड यू कंसीडर देन एक्चुअली गेटिंग अ डॉग होम, राइट? तो नंबर वन, पहली बात है कि ये लंबी कमिटमेंट है, राइट? इट इज समथिंग दैट लास्ट एटलीस्ट 12 to 15 ईयर्स एंड इवन बियॉन्ड डिपेंडिंग ऑन आपका डॉग का ब्रीड क्या है, टिपिकली उस ब्रीड की एज कितनी रहती है और आपका डॉग कितना हेल्दी है. सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ डॉग, डोंट थिंक अबाउट जस्ट अभी इसी वक्त और इसी साल. थिंक कि आपके अगले 12-15 सालों के लिए विल यू बी एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, मॉनिटरी सपोर्ट टू दिस लिविंग बीइंग. इंसान नहीं है बट एज क्लोज टू एन इंसान दैट यू कैन पॉसिबली हैव, जो आपके घर में आपके साथ रहेगा. नंबर टू, इट गेट्स एक्सपेंसिव, राइट? देर आर अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व इन रेजिंग अ डॉग. आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एवरीथिंग फ्रॉम वेट विजिट्स टू ग्रूमिंग टू फूड, वो जो डेली का खर्चा है, एक्सेसरीज, बोल्स, कॉलर्स, बहुत सारी ट्रीट्स और टॉयज और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी हैं जो हम डॉग के साथ कर सकते हैं, बट उस सब के लिए पैसा लगता है, राइट? सो इट इज समथिंग दैट विल कॉस्ट यू मनी. तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पास कितना बजट है कि आप इसको सस्टेन कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट, लाइक आई सेड, 12 to 15 ईयर्स. थर्ड, ब्रीड रिसर्च. अब आपको पता है कि अ लॉट ऑफ दीज डिस्कशंस आर हैपनिंग ऑनलाइन कि आपको क्या अडॉप्ट करना चाहिए या आपको किसी ब्रीडर से डॉग लेना चाहिए. बट वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपका जो भी डिसीजन हो, राइट, वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि हर डॉग की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर डॉग के अपने टाइप के ट्रेट्स होते हैं. वॉट यू नीड टू बी श्योर ऑफ इज क्या आप अपने लाइफ स्टाइल से ज्यादा नहीं हिल के आर यू एबल टू ऑल्सो मेक श्योर द डॉग इज हैप्पी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन है बहुत कि मैं बहुत ही बड़ा ब्रीड वाला डॉग लूँ, जैसे कोई सेंट बर्नार्ड हो गया या ग्रेट डेन हो गया, और मैं उसको अपने घर लाऊं, क्या आप ऐसे घर में रहते हैं या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो आप उनको उतनी एक्सरसाइज दे सकते हैं, क्या उनके पास घर पे उतनी घूमने की जगह है, क्या वेदर उनके लिए सूटेबल है जहां आप रहते हो. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू डिसाइड के विल दिस डॉग बी हेल्दी इन द लाइफस्टाइल दैट आई विल बी एबल टू गिव हिम, राइट? सिमिलर क्वेश्चन स्मॉल ब्रीड्स के साथ भी होंगे, अडॉप्शन वाले डॉग्स के साथ भी होंगे. दिस इज अ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक अबाउट एक्टिवली, राइट? कि आपका लाइफस्टाइल क्या इस डॉग के साथ मैच करेगा या नहीं. नंबर फोर, मेडिकल बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नॉट जस्ट बिल्स बट रेगुलरली विजिटिंग अ वेट, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो आपके डॉग के फर्स्ट 6 मंथ्स हैं और 1 ईयर है, राइट? आपको सारी अपनी वैक्सीनेशन करवानी है, आपको डीवर्मिंग शुरू करवानी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डॉग इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज इलनेसेस दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर डॉग्स, राइट? उसके बाद जब आपका फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाला वैक्सीनेशन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद हर साल बूस्टर लगता है फॉर ऑल ऑफ दीज वैक्सीनेशन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर यू टू टेक टू मेक श्योर कि आपका डॉग हेल्दी रहे एंड यू आर नॉट रियली बर्डन्ड बाय यू नो देयर हेल्थ. यू डोंट वॉन्ट योर डॉग टू सफर बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो खुश रहें,
और हम भी उनके साथ खुश रहें, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिवेंटिव केयर. नंबर 5, न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के बारे में जितनी हम बात करें उतनी कम है, राइट? डॉग्स की जो डाइट्स होती हैं और उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन से अलग होती है, राइट? इवन दो हम अज्यूम करते हैं कि जो हम खाते हैं हमारा डॉग भी खा सकता है, बट ऐसा नहीं है. उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाते हैं ह्यूमन खाने में जो डॉग्स के लिए सूटेबल नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, स्वीट, मतलब किसी टाइप का शुगर हो या स्पाइसेस हो, दे आर नॉट सूटेबल फॉर डॉग्स, राइट? इसलिए आप सोचोगे कि उनका जो खाना होता है वो बिल्कुल ऐसे प्लान होना चाहिए, राइट? नो स्पाइस, नो शुगर, व्हाटएवर, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी हल्दी हो या जो भी हो. दे ऑल्सो नीड अ लॉट मोर प्रोटीन देन वी डू, राइट? विच इज वाई यू फाइंड दैट मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट डॉग्स नीड मीट, राइट? दे नीड टू हैव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट्स, बिकॉज उससे उनकी मसल रिकवरी होती है, उससे उनका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ के, राइट? अलॉन्ग विद प्रोटीन ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर मिनरल्स दैट दे डू नीड. मेक श्योर कि आप उनके न्यूट्रिशन का डेफिनेटली ध्यान रखें, चाहे आप पैकेज फूड दे रहे हो या फिर आप होम मेड मील्स दे रहे हो. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर गिविंग बैलेंस्ड मील. नंबर 6, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्पेशली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ पपी होम, यू विल रियलाइज कि उनके एक्चुअली वॉक्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल ब्लैडर्स. And if you want them to be potty trained well, you will have to make sure that you are actually taking them out for all of those times that they need to go and relieve themselves. Because otherwise, फिर आपका ही घर कबाड़ बनेगा if you are not able to do that. But I mean, jokes apart, even after the puppy phase, जब bladders आपके dog के properly grow भी हो गए हैं, the idea is that exercise important है सबके लिए, मतलब humans के लिए भी important है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. डॉग्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, राइट? टू हैव अ हेल्दी डॉग, टू हैव अ फिट डॉग, टू हैव अ डॉग दैट हैज अ हेल्दी एपेटाइट एंड ऑल ऑफ दैट, दैट साइकिल नीड्स टू कीप रनिंग. उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपके डॉग को रोज के रोज इनफ एक्सरसाइज मिल रही है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स. देन 7, ट्रेनिंग एंड ओबीडियंस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू मैनेज दिस होल चेंज इन योर लाइफ, राइट? ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग इज जस्ट समथिंग जो हमने डॉग को सिखा देना है कि नमस्ते करो, देखो बेटा गेस्ट आए हैं घर पे, नमस्ते करके दिखाओ, सिट करके दिखाओ. देर इज अ परफॉर्मेटिव नेचर टू सम ऑफ दीज ट्रेनिंग थिंग्स दैट यू लर्न, येस, बट एक्चुअल जो बेनिफिट है ट्रेनिंग का, विच इज कि आपका डॉग आपको समझ पा रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर डॉग इज वेल, राइट? दैट इज द मेन पर्पज. आर यू एबल टू कम्युनिकेट विद अ डॉग, विद योर डॉग, एंड आर यू एबल टू गेट देम टू अंडरस्टैंड कि आप उनको सिट क्यों बोल रहे हो, राइट? अगर आप कोई गाड़ी सामने से जा रही है रोड पे जब आप शेयर कर रहे हो, योर डॉग शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप बोल रहे हो उसको कि स्टे या फिर सिट और कम, उनको समझ आ रहा है कि अच्छा, इफ माई ह्यूमन इज आस्किंग मी टू डू दिस, दे आर ओनली सेइंग इट बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर मी, राइट? सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वॉट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, राइट? यू वॉन्ट टू क्रिएट अ बॉन्ड वेयर योर डॉग अंडरस्टैंड्स यू एंड यू इक्वली अंडरस्टैंड योर डॉग इज वेल. तो ट्रेनिंग उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्वियसली कीपिंग योर डॉग कॉन्फिडेंट. यू वॉन्ट योर डॉग टू बी नॉट स्केयर्ड, राइट? आप चाहते हो कि आपका डॉग बाहर जाए, किसी भी न्यू चीज में हो, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी नए इंसान को मिल रहे हो, आप किसी नई जगह जा रहे हो अपने डॉग के साथ, योर डॉग शुड बी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड शुड नॉट बी स्केयर्ड, राइट? आप दैट्स द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज वेल, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर द डॉग, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जो ये ह्यूमन, मेरे ह्यूमन का जो वर्ल्ड है वो ऐसा है और ये चीजें होती हैं जो बहुत अजीब हैं और मुझे समझ नहीं आती क्यों होती हैं, बट ये होती हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू जस्ट कैंड ऑफ डील विद एंड मेरा ह्यूमन हमेशा मेरे साथ है तो आई डोंट नीड टू बी वर्ल्ड, राइट? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग. एंड नंबर 8, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस. अगर आपको 12-15 साल के लिए किसी ऐसे इंसान जंतु को घर पे लाना है जो आपको बहुत सारा प्यार देगा और आप भी उसको बहुत सारा प्यार देंगे, टू बी एबल टू गेट टू दैट लेवल ऑफ काम एंड पीस यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट? बहुत चीज़ें गलत होती हैं, बहुत बारी सूसू पॉटी होती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइम टेंट्रम्स होते हैं, बहुत टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपने एंटिसिपेट नहीं की होती हैं कि होती हैं, बट उस सब के लिए डील करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए कि मतलब ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स वर्क ऑन इट, राइट? द आइडिया इज टू ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन. द आइडिया इज कि अगर आप पेशेंट रहोगे और समझोगे कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई डॉग डिड नॉट अंडरस्टैंड मी बेटर, राइट? इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू आप उनको समझा पाए हो या नहीं, दैट इज वॉट यू नीड, राइट? सो
पेशेंस सेल्फ सेल्फ नहीं पेशेंस ह्यूमर तब आप बने अच्छे पेट पेरेंट. सो टू समराइज, पपीज बहुत क्यूट होते हैं और डॉग्स भी बहुत क्यूट होते हैं, बट उनको अगर आप घर लाने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं इस वीडियो में, इनके बारे में जरूर सोचिए एंड ओनली आफ्टर दैट डिसाइड के यस आई एम रेडी टू ब्रिंग अ डॉग होम और इस टाइप का डॉग मुझे चाहिए और मैं यहाँ से लूंगा और मेरे को ये करना है और ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए स्प्लूट आपको हेल्प करेगा. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं अबाउट एनीथिंग दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो प्लीज कॉमेंट करके हमें पूछिए. मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू.